आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी। एक करी बनाने के लिए हम अंडे को फ्राई कर लेंगे बढ़िया के तरीके से। अंडे को बढ़िया से फ्राई कर लेना, हल्का हल्दी ऐड कर देना इसके अंदर। इसका देना हल्दी ऐड करने के बाद इसको जो हल्का से फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसको गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम ले लेंगे एक पैन ले लेंगे, पैन के अंदर जीरा डाल देंगे, फिर कटी हुई चौपकी हुई लहसुन, फिर डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा चला लेंगे, थोड़ा बढ़िया तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम लोग चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, देखिए बढ़िया फ्राई हो चुका। हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसको जो हम लोग थोड़ा कसले से चला लेंगे फिर से। लगभग हम लोगों का जो है मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर थोड़ी देर चला लेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। देखिए हम लोगों का ग्रेवी लगभग उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ अंडा। अंडे का फ्राई करने वाला अंडा को हम लोग थोड़ी देर तक 5 मिनट तक चला फ्राई कर लेंगे, बढ़िया से पका लेंगे। पकाने के बाद देखिए लगभग हम लोग का जो है तैयार हो चुका है अंडे करी। देखिए अब इसके अंदर हम लोग धनिया ऐड कर देंगे बस।